हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। दोस्तों, आज राजस्थान के भौतिक स्वरूप का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट का आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये क्वेश्चन 2013 के फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ये सही है। दूसरा है, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। आगे देखिए, पश्चिमी बालू का मैदान टेथित सागर का अवशेष रूप है। और लास्ट है, दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड नंबर का जो कथन है ये गलत है, क्योंकि उत्तर पूर्वी जो मैदान है ये सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग नहीं है, बल्कि ये टेथित सागर का अवशेष है, ठीक है। चाहे वो उत्तर पश्चिमी मरुप्रदेश हो, जिसको पश्चिमी बालू का मैदान नाम दिया है यहाँ पर, तो ये भी टेथिस सागर का ही अवशेष है, प्लस उत्तर पूर्वी जो मैदान है ये भी टेथिस सागर का ही अवशेष है। तो यहाँ पर गलत उत्तर होगा सेकंड नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान में कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है? आरएएस परी एग्जाम 2010 में आया हुआ है दोस्तों। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान में कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों, मैं इसके ऑप्शन नहीं बोल करके डायरेक्ट आपको उत्तर बता देता हूँ, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। तो इसका पहला नंबर का जो उत्तर है वो सही है, 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान में कितने देशांतर के मध्य स्थित है? इसमें देशांतर बताना है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश कितने देशांतर के मध्य स्थित है राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? ऑप्शन देखिए, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा या हिमालय। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का, अरावली। अरावली पर्वतमाला भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है। अरावली पर्वतमाला की मूल जड़ कहाँ से शुरू होती है, मतलब ये इसका। तो ऑप्शन देखिए, पालनपुर, आबू पर्वत, अरब सागर तल या गोगुंदा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका 3 नंबर का, अरब सागर तल। अरब सागर जो है यहाँ से इसकी मूल जड़ मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है। ऑप्शन देखिए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या पूर्व से पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, या पश्चिम से पूर्व। दोस्तों, इसका सही उत्तर है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। दोस्तों, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ती जाती है। ये पर्वतमाला उत्तर पूर्व में कम चौड़ी है तथा दक्षिण पश्चिम में अधिक चौड़ी, ऊंची और विस्तृत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला अवशेष है, अरावली पर्वतमाला अवशेष है। ऑप्शन है, गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर, अंगारा लैंड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का, गोंडवाना लैंड। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला और जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है ये दोनों ही गोंडवाना लैंड के भाग हैं, ठीक है। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश के सीहोर से दिल्ली तक, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, या गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, या उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल्ली तक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला गुजरात के खेड़ ब्रह्म पालनपुर से फिर उत्तर पूर्व में कहाँ तक विस्तृत है, दिल्ली तक विस्तृत है। दोस्तों, एक क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में आया हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है? कौन सा पर्वत राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है? ऑप्शन है हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, नीलगिरी पर्वत या अरावली पर्वत। इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, अरावली पर्वत। दोस्तों अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करती है। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला की मूल जड़ कहाँ से शुरू होती है? अरावली पर्वतमाला की मूल जड़ कहाँ से शुरू होती है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन देख लो पहले, पालनपुर, दिल्ली, खेड़बरम या अरब सागर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, अरब सागर। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ था? अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन है ईओसीन, मायोसीन, होलोसीन या प्री कैम्ब्रियन। तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, प्री कैम्ब्रियन। दोस्तों अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है जिसकी उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2012 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए, अरावली की औसत ऊंचाई है, अरावली की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है? ऑप्शन देखिए 930 मीटर, 1922 मीटर, 1050 मीटर या 830 मीटर। तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का, 930 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, अरावली का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? अरावली का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में? ऑप्शन देखिए 12 जिलों में, 14 जिलों में, 16 जिलों में या 18 जिलों में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, 16 जिलों में। अरावली का विस्तार राजस्थान में 16 जिलों में है। दोस्तों कई गाइड के अंदर 13 जिले भी दिए हुए हैं, तो आप एग्जाम के अंदर देख लेना अगर ऑप्शन किस प्रकार का, उसके अकॉर्डिंग आप उत्तर करके आना। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? ऑप्शन है 550 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, 592 किलोमीटर या 930 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की कुल जो लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। ये प्रश्न देखिए, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई पूछी है, ठीक है। ऑप्शन देखिए 550 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, 592 किलोमीटर या 930 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा 550 किलोमीटर। दोस्तों अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल जो लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वतमाला का कौन सा भाग ऊंचा एवं चौड़ा है? कौन सा भाग ऊंचा और चौड़ा अरावली पर्वतमाला का? ऑप्शन देखिए दक्षिण पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, मध्यवर्ती भाग या दक्षिण पूर्वी भाग। तो इसका सही उत्तर होगा पहले नंबर का, दक्षिण पश्चिमी भाग। दोस्तों अरावली पर्वतमाला का दक्षिण पश्चिमी जो भाग है ये क्या है, ऊंचा भी है और चौड़ा भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम, ऑप्शन देखिए माउंट एवरेस्ट, गुरु शिखर, अन्नाई मुडी, दोदा बेटा। तो इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, गुरु शिखर। दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। दोस्तों किसी क्वेश्चन के आगे मैंने नहीं लिखा हुआ ना एग्जाम का नाम कि कौन सी एग्जाम में आया, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जाम में नहीं आया हुआ है, वो मेरे पास उपलब्ध नहीं है पेपर, इसलिए मैं नहीं लिखा। बाकी एग्जामों में आए हुए हैं सभी क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न देखिए, अरावली का अधिकांश भाग किस राज्य में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरावली का अधिकांश भाग किस राज्य में? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, राजस्थान। अरावली का अधिकांश भाग जो है वो राजस्थान के अंदर अवस्थित है। ये क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में अरावली का कितना प्रतिशत हिस्सा है? राजस्थान में अरावली का कितना प्रतिशत हिस्सा है? ऑप्शन है 70%, 80%, 69% या 58%। तो इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, 80%। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली श्रेणियों की चौड़ाई ऊंचाई किस दिशा की तरफ बढ़ती जाती है? चौड़ाई और ऊंचाई किस दिशा की तरफ बढ़ती जाती है? मैं इसका करेक्ट उत्तर बता देता हूं आपको, 3 नंबर का, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। दोस्तों अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व में कम चौड़ी है और कम ऊंची है, फिर जैसे जैसे अपन दक्षिण पश्चिम की ओर जाते हैं, सिरोही जालौर की तरफ जाते हैं ना, तो ये क्या होती जाती है, ऊंची भी होती जाती है, चौड़ी भी होती जाती है, विस्तृत भी होती जाती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणियां किस भूभाग का अंग है। राजस्थान में चार भौगोलिक प्रदेश है ना, तो उसमें जो प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है वो कौन से भौगोलिक प्रदेश का अंग है, ये पूछा है इसमें। तो आपको पता ही है, तीन नंबर का है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली माउंटेन राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैली हुई है। ऑप्शन है 9.3%, 7%, 7.3% या 10%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, 9.3%। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन देखिए, 9.3%, 7%, 7.3% या 10%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चार नंबर का, 10%। दोस्तों कई गाइडों के अंदर 7% भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस जिले में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, तो कौन से जिले में स्थित है वो। पहला है सिरोही, जालोर, अजमेर या शिखर। तो इसका पता ही आपको, इसका उत्तर है पहले नंबर का, सिरोही। गुरु शिखर जो चोटी अरावली पर्वतमाला की वो सिरोही जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन देखिए, 930 मीटर, 1722 मीटर, 1597 मीटर या 1431 मीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, 1722 मीटर। दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है। ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, एल पी टेसिटोरी, अबुल फजल या जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, कर्नल जेम्स टोड। ये देखिए दोस्तों, मैंने राजस्थान का मानचित्र बना दिया। मानचित्र के अंदर और अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, उन जिलों के नाम पीले रंग के अंदर अंकित कर दिए। आप आराम से स्क्रीन को रोक करके और इसमें जो भी जानकारी दी गई है उनको आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, जिसका राजस्थान में विस्तार है 550 किलोमीटर। और ये राजस्थान में कहाँ से किधर विस्तृत है। इसका विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम में चौड़ी है, ऊंची है, और फिर धीरे 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 उत्तर पूर्व में क्या है, कम चौड़ी और कम ऊंची होती जाती है, ठीक है। अब इसमें 16 जिले हैं और जनसंख्या कितनी है, अरावली पर्वतीय प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 10%। यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। और ये राजस्थान कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में विस्तृत है, 9.3% क्षेत्रफल में विस्तृत है। तो दोस्तों आप आराम से तसली से ये चीज़ें देखिए और इनको याद कर सकते हैं। कितनी बढ़िया तरीके से मैंने आपको इनको समझाया है मानचित्र की सहायता से, आप देखिए और समझिए, ठीक है ना। चलिए अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो 16 जिले उनके नाम में रिपीट कर देता हूँ। नीचे से शुरुआत करते हैं अपन, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली, अजमेर, जयपुर, दौसा, नागौर, सीकर, अलवर और झुंझुनू। तो ये अरावली पर्वतीय प्रदेश में 16 जिले हैं। अब देखो आपके सामने अरावली पर्वतीय प्रदेश के जो तीन प्रदेश हैं, तीन भाग हैं, वो भी अच्छी तरह से दिखाए हुए हैं, ठीक है। और अब इनको देख करके आप आराम से इनको तैयार कर सकते हैं। देखिए अरावली पर्वतीय प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के भाग, प्रदेश कौन कौन से, तीन प्रदेश हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है उत्तर पूर्वी अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, जो सीकर जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, ठीक है। फिर आइए नीचे, मध्य अरावली प्रदेश, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गोरजी, जो अजमेर में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 934 मीटर, ठीक है। अब आइए बाईं साइड में आपके नीचे देखिए, दक्षिण अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो सिरोही जिले में स्थित है
और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो दोस्तों ये अरावली पर्वतीय प्रदेश के तीन उप प्रदेश हो गए, तीनों की अलग अलग जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उनके नाम, वो किन जिलों में स्थित है वो भी बता दिए, उनकी ऊंचाई कितने मीटर है वो भी बता दी। तो एग्जाम में इसमें से कहीं से भी आपके क्वेश्चन आ सकता है, आप इस मानचित्र को चित्र तैयार कर लोगे, समझ लोगे, तो एग्जाम में आपका प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों ये हो गए नोट्स, आपने जितने भी प्रश्न पीछे जो है देखे हैं उन सब के नोट्स हैं, आप रिकॉल करके और दोबारा जो है मेमोरी के अंदर फीड कर सकते हैं उनको। तो अपन देखते हैं, देखिए अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है जिसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी, ये अमेरिका के अपलेशियन पर्वतों के समान है, याद रखना। कितने प्रश्न तैयार हो गए, अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, फिर अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है, फिर अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी, फिर ये अमेरिका के अपलेशियन पर्वतों के समान है, ठीक है। अब आगे देखिए, यह हिमालय पर्वत एवं विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, क्वेश्चन आ सकता है हिमालय पर्वत एवं विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, तो उत्तर आएगा अरावली पर्वत, ठीक है। फिर देखिए अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान में 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये अरावली पर्वतमाला के अक्षांश और देशांतर जो विस्तार है उसको समझाया गया है कि अरावली पर्वतमाला किन अक्षांशों के मध्य स्थित है और किन देशांतरों के मध्य स्थित है, तो इनको आप आराम से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों मैं जो मीटर बता रहा हूँ आपको, ये मीटर आप जो देख रहे हैं ना, ये किसी भी एक गाइड के अंदर आपको नहीं मिलेगा, मैं कई गाइडों की कई बुक्स की सहायता से ये मीटर आपके लिए तैयार करता हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी विद्यार्थियों को भी फायदा हो और मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके और मैं और ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपके लिए वीडियो तैयार कर सकूं, ठीक है। आगे देखिए, अब यह पर्वतमाला गुजरात के खेड़ ब्रह्म यानी पालनपुर से लेकर दिल्ली तक विस्तृत है जो रायसीना पहाड़ी तक जाती है जहाँ राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। देखिए क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला जो है ये इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात के खेड़ ब्रह्म यानी पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक, ठीक है, दिल्ली के अंदर रायसीना पहाड़ी तक और रायसीना पहाड़ी के ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में यह पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, याद रखना राजस्थान में इसका विस्तार किधर से किधर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसका दक्षिण पश्चिमी भाग ऊंचा एवं चौड़ा है जो उत्तर पूर्व की ओर कम होता जाता है, याद रखना दक्षिण पश्चिम का जो भाग है ना सिरोही साइड का, वो तो क्या है चौड़ा है और ऊंचा है, और फिर इधर धीरे धीरे इधर आओगे आप सीकर झुंझुनू की तरफ आओगे ना तो क्या हो जाएगा बिल्कुल सकड़ा और कम ऊंचा होता जाएगा। इसकी मूल जड़ अरब सागर से मानी जाती है, अरावली पर्वतमाला की मूल जड़ जो है वो कहाँ से मानी जाती है, अरब सागर से मानी जाती है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, याद रखना अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है 692 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई पूछी तो कितनी आएगी 550 किलोमीटर यानी लगभग 80%, यानी अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर लगभग 80% किलोमीटर के अंदर विद्यमान है, मतलब टोटल जो इसकी लंबाई उसका 80% राजस्थान के अंदर ये विस्तृत है। अब देखिए अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान की सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर आदि 16 जिलों में पाया जाता है। दोस्तों ये 13 जिलों के नाम मैंने लिखे हैं, बाकी जो जिले हैं वो पीछे आपको मानचित्र में दिखाए हुए हैं तो वहाँ आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो टोटल 16 जिले हैं, यहाँ पर 13 जिलों के नाम मैंने लिखे हैं क्योंकि कई गाइडों के अंदर 13 जिलों के नाम भी दिए हुए हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, अरावली माउंटेन राजस्थान के लगभग 9.3% क्षेत्र पर फैला हुआ है तथा इसमें राजस्थान की कुल 10% जनसंख्या निवास करती है जिसमें जनजातियों का बाहुल्य है। तो याद रखना अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कितने भूभाग पर विस्तृत है, 9.3% भूभाग पर विस्तृत है।
फिर यहाँ पर राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 10% जनसंख्या निवास करती है, कई कई गाइडों में 7% जनसंख्या भी दे रखी है दोस्तों। और अरावली पर्वतमाला में किनका बाहुल्य है, जनजाति जनसंख्या का बाहुल्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये आर एस परी 2013 में आया हुआ है। देखिए, सूची एक को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। तो एक तरफ जो है आपको अरावली पर्वतमाला के शिखरों के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जो है वो शिखर किन जिलों में स्थित है उनके नाम दिए हुए हैं। तो आपको सुमेलित करना है और सुमेलित करके नीचे दिया हुआ जो ऑप्शन है उसमें सही ऑप्शन का चयन करना है। देखिए, रघुनाथगढ़ दोस्तों, रघुनाथगढ़ जो है ये सीकर जिले में स्थित है, तो इसके सामने आएगा सेकंड सही, ठीक है। फिर शेर दोस्तों, शेर जो है ये सिरोही जिले के अंदर स्थित है, तो इसका फर्स्ट सही आएगा। फिर है जरगा, तो जरगा जो है ये उदयपुर जिले में स्थित है, तो इसका चौथा जो ऑप्शन है चौथा ये सही आएगा। फिर जयगढ़, ये जो है ये जयपुर जिले के अंदर स्थित है, तो इसका तीसरा सही आएगा। तो नीचे जो कूट दिए गए उनमें सही उत्तर देखिए दोस्तों, पहला ए, ए जो है ये सही है कि फर्स्ट के सामने सेकंड, फिर सेकंड के सामने फर्स्ट, फिर थर्ड के सामने फोर्थ और फोर्थ के सामने थर्ड, ये सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आर एस परी 2013 में आया हुआ है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान के पर्वत शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम है। दोस्तों, ये पर्वत चोटियां हैं, इन चोटियों को अवरोही क्रम में आपको बताना है कि कौन सा जो है उत्तर सही है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी पहले सबसे ऊंची चोटी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस प्रकार से आपको इनको सेट करना है। तो मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, पहले खो, फिर तारागढ़, फिर रोजा बाकर और फिर बेराट। दोस्तों, खो जो है इसकी ऊंचाई है 920 मीटर और ये जयपुर में स्थित है, और तारागढ़ जो है इसकी ऊंचाई है 870 मीटर, ये अजमेर में स्थित है। रोजा भाकर की ऊंचाई है 730 मीटर, ये जालौर में स्थित है, और बेराट की ऊंचाई है 704 मीटर, ये जयपुर में स्थित है। तो इस प्रकार से ये अवरोही क्रम हो गया, मतलब घटते हुए क्रम के अंदर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आर एस परी 2012 में आया हुआ है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से कौन सा ऊंचा शिखर है ये आपको बताना है। तो पहला सज्जनगढ़, फिर लीलागढ़, फिर कुंभलगढ़ और फिर तारागढ़। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, कुंभलगढ़। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सज्जनगढ़ जो है इसकी ऊंचाई है 938 मीटर, लीलागढ़ की ऊंचाई है 874 मीटर, कुंभलगढ़ की ऊंचाई है 1224 मीटर और तारागढ़ की ऊंचाई है 870 मीटर। तो ये 4 जो चोटियां हैं इनमें सबसे ऊंची चोटी हो गई कुंभलगढ़, जो राजसमंद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ है। अरावली की राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है, अरावली की राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देखिए, अलवर, चित्तौड़गढ़, सीकर या सिरोही। तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, सिरोही जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी ये बतानी है। ऑप्शन है 1722 मीटर, 1757 मीटर, 1527 मीटर या 1597 मीटर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, 1597 मीटर। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की तीसरी सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है वो बतानी है। ऑप्शन देखिए, 1422 मीटर, 1431 मीटर, 1527 मीटर या 1597 मीटर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1431 मीटर, 2 नंबर वाला। ये क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम, दूसरी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम। ऑप्शन है शेर, जरगा, अचलगढ़ या रघुनाथगढ़। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का, शेर। ये अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी बतानी है अरावली पर्वतमाला की। ऑप्शन है शेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा जरगा, सेकंड नंबर का। जरगा अरावली पहाड़ियों की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अरावली पर्वतमाला की चोटियों तथा जिलों का सही मेल नहीं है। एक तरफ चोटियां दी हुई हैं और एक तरफ जिले दी हुई हैं, तो आपको ये बताना है कि इनमें से सही मेल कौन सा नहीं है, ऑप्शन कौन सा जो है वो चूज करना है। ऑप्शन देखिए, पहला देखिए बब्बाई, बब्बाई झुंझुनू जिले में स्थित है, ये सही है। सरिस्का, ये अलवर जिले में स्थित है दोस्तों, ये भी सही है। नाग पहाड़, ये अजमेर जिले में स्थित है, ये भी सही है। और जयगढ़, ये जयपुर जिले में स्थित है दोस्तों, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी इसके सही सभी कथन जो है, सभी मेल जो है वो क्या है, सही है। ये फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अरावली पर्वतमाला की चोटियों तथा ऊंचाई का सही मेल नहीं है। ये सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ है। एक तरफ अरावली पर्वतमाला की चोटियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनकी ऊंचाई दे रखी है, तो आपको उनका सही मेल करके सही कूट का चयन करना है। देखिए बब्बाई, तो इसकी ऊंचाई 780 मीटर है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सरिस्का, इसकी ऊंचाई 677 मीटर है। फिर नाग पहाड़, इसकी ऊंचाई 795 मीटर है। और फिर जयगढ़, इसकी ऊंचाई 648 मीटर है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, सभी सही हैं। मतलब ये चोटियां दी हुई हैं, इनकी इनके सामने जो ऊंचाई लिखी हुई है बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है, तो इसका डी सही है। अब देखिए दोस्तों, टोटल रिकॉल नोट्स देखिए। अरावली पर्वत श्रेणियों की महत्वपूर्ण चोटियाँ, ठीक है। पहली है गुरु शिखर, देखिए यह सिरोही जिले में माउंट आबू के समीप स्थित अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, ठीक है, याद रखना। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, ये सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। फिर आइए शेर, ये अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट आबू के समीप सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। तो याद रखना, अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, शेर है। ये किस जिले में स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर है। इसके बाद देखिए जरगा, देखिए यह अरावली पर्वतमाला की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो उदयपुर जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। याद रखना, जरगा किस जिले में स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। यह अरावली पर्वतमाला की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1431 मीटर। फिर है अचलगढ़, दोस्तों यह अरावली पर्वतमाला की चौथी सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट आबू के समीप सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1380 मीटर है। तो अचलगढ़ किस जिले में स्थित है, सिरोही जिले में, और ये चौथी सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की, इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। दोस्तों अरावली पर्वतमाला की जो भी जितनी भी चोटियां, उनमें सबसे ज़्यादा चोटियां किस जिले के अंदर हैं, ये प्रश्न भी आ सकता है, तो इसका उत्तर आएगा सिरोही जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम, उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। ऑप्शन है शेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, रघुनाथगढ़। ये क्वेश्चन देखिए, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है। सबसे ऊंची चोटी जो है ना उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश के रघुनाथगढ़, उसकी ऊंचाई कितनी। ऑप्शन है 1597 मीटर, 1431 मीटर, 1055 मीटर या 920 मीटर। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, 1055 मीटर। अब दोस्तों उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश के बारे में मैंने विस्तार से जानकारी प्रदान कर दी है। देखिए आप, इस पहाड़ी प्रदेश का विस्तार अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और नागौर जिलों में पाया जाता है, याद रखना। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 450 मीटर है, याद रखना। उत्तर पूर्वी अरावली पर्वतीय प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है, 450 मीटर है। अब इस प्रदेश की प्रमुख चोटियां देखिए, रघुनाथगढ़ सिक्कर, ये उत्तर पूर्वी अरावली पर्वतीय प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ये सिक्कर जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। दूसरी है खो, जो जयपुर के अंदर स्थित है, इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। फिर है भैराच, अलवर जिले के अंदर स्थित है ये, इसकी ऊंचाई है 792 मीटर, ठीक है। फिर बब्बाई, ये झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 780 मीटर। फिर है बिलाली, ये अलवर जिले के अंदर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 775 मीटर। इसके बाद में और देखिए, शेष चोटियां देखिए, बैराट, ये जयपुर जिले के अंदर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 704 मीटर। फिर है सरिस्का, ये अलवर जिले के अंदर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 677 मीटर।
फिरजयगढ़ ये जयपुर में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 648 मीटर। फिर नाहरगढ़ ये जयपुर के अंदर स्थित है, इसकी ऊंचाई है 599 मीटर। और अलवर किला ये अलवर के अंदर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 597 मीटर। तो दोस्तों उत्तर पूर्वी अरावली पर्वतीय प्रदेश की ये जो चोटियां हैं ये किन जिलों में स्थित है प्लस इनकी ऊंचाई कितनी मीटर है ये मैंने पूरी विस्तार के साथ में आपके सामने बता दिए हैं। ये टॉपिक जो है ये फैक्ट हैं तो फैक्ट को हमेशा रटना पड़ता है दोस्तों, और कोई इलाज नहीं है, शॉर्टकट कुछ नहीं है, आपको इनको अच्छी तरह रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है। मध्य अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन देखिए 795 मीटर, 870 मीटर, 1055 मीटर या 934 मीटर। तो इसका सही उत्तर है चार नंबर का, 934 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना। ऑप्शन देखिए नाग पहाड़, तारागढ़, गोरमजी या शीरावास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तीन नंबर का, गोरमजी। अब देखिए दोस्तों मध्य अरावली प्रदेश की पूरी जानकारी, टोटल रिकॉल देखिए। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 700 मीटर है, ये मुख्यतः अजमेर जिले में फैला हुआ, याद रखना। मध्य अरावली प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है 700 मीटर, और मध्य अरावली प्रदेश मुख्यतः किस जिले में फैला हुआ है, अजमेर जिले में, ठीक है। इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी है जो अजमेर जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 934 मीटर है, याद रखना। मध्य अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गोरमजी, ये किस जिले में है, अजमेर जिले में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है 934 मीटर है। अब मध्य अरावली प्रदेश की प्रमुख चोटियों के नाम देखिए, गोरमजी ये आपको बता दिया अजमेर के अंदर है, 934 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर तारागढ़ ये अजमेर के अंदर स्थित है, इसकी ऊंचाई है 870 मीटर। फिर नाग पहाड़ ये भी अजमेर के अंदर स्थित है, इसकी ऊंचाई है 795 मीटर। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर देखिए दोस्तों, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली मेरवाड़ पहाड़ियाँ इसी प्रदेश में स्थित है, याद रखना। मेरवाड़ पहाड़ियाँ दो बातों से प्रसिद्ध हैं, एक तो मारवाड़ को मेवाड़ से पृथक करती हैं, ठीक है, दूसरी बात ये मध्य अरावली प्रदेश में स्थित है, ठीक है, जिसका उच्चतम शिखर अजमेर के निकट तारागढ़ 870 मीटर है, याद रखना। मेरवाड़ पहाड़ियों का उच्चतम जो पर्वत शिखर है उसका नाम है तारागढ़, और ये कहाँ पर है, अजमेर में। इसकी ऊंचाई कितनी अभी बताई थी, 870 मीटर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताया है। ऑप्शन है नाग पहाड़, तारागढ़, शेर या गुरु शिखर। तो सही उत्तर है चार नंबर का, गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई है। दक्षिणी अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है बताना है। ऑप्शन देखिए 1722 मीटर, 1597 मीटर, 1442 मीटर या 1431 मीटर। तो इसका सही उत्तर है एक नंबर का, 1422 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन, अरावली में सर्वाधिक अंतराल वाला जिला है। अरावली में सर्वाधिक अंतराल वाला जिला कौन सा है ये बताना। ऑप्शन है अजमेर, सीकर, अलवर या उदयपुर। तो इसका सही उत्तर है एक नंबर का, अजमेर। अगला क्वेश्चन देखिए, मेसा का पठार स्थित है। दोस्तों एग्जामों के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेसा का पठार स्थित है, ऑप्शन देखिए अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, अलवर में, उदयपुर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 620 मीटर है, और इसी मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, त्रिकुट पहाड़ी किस जिले में स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है ये बताना है। ऑप्शन देखिए जैसलमेर में, चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में या जालौर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, जैसलमेर में। दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी है ये जैसलमेर जिले में स्थित है, और जैसलमेर का जो किला है वो इसी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ मेवाड़ को अलग करने वाली पहाड़ियाँ हैं। मारवाड़ मेवाड़ को अलग करने वाली पहाड़ियाँ हैं, या इसी को दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है कि मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं। तो ऑप्शन है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, एरनपुरा की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ या मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए,
अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं, ऑप्शन देखिए, रोहतांग दर्रा, जलपला और नाथुला दर्रा, देसुरी व हाथीगुड़ा की नाल, सिपकीला दर्रा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, देसुरी व हाथीगुड़ा की नाल। दोस्तों जीलवा की नाल, सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, देसुरी, केवड़ा की नाल, ये सभी जो हैं ये राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ है दोस्तों। भोराट का पठार किस जिले के मध्य स्थित है? भोराट का पठार जिस जिले के मध्य स्थित है वह है, ऑप्शन है कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा, अचलगढ़ एवं तारागढ़, जरगा एवं अचलगढ़, गोगुंदा एवं बेराट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा। दोस्तों एग्जामों में तो बहुत में आया हुआ है ये, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम का मैंने नाम लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता रहा हूँ, सेकंड नंबर का है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार किस अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है? मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता रहा हूँ, दक्षिण अरावली प्रदेश में, 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, 56 की पहाड़ियाँ किस अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है? दोस्तों मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ, 3 नंबर का उत्तर है दक्षिण अरावली प्रदेश। दोस्तों 56 की पहाड़ियाँ दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिवाना पर्वत किस अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है? शिवाना पर्वत किस अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, दक्षिणी अरावली प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, नाकोड़ा पर्वत किस अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है? नाकोड़ा पर्वत किस अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, दक्षिणी अरावली प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भाकर किस अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है? भाकर किस अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, दक्षिण अरावली पर्वतीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, गिरवा किस अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है? गिरवा किस अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाथीगुड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? हाथीगुड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, राजसमंद जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए, बूंदी की अरावली पर्वत श्रेणियों को कहा जाता है? बूंदी की अरावली पर्वत श्रेणियों को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है आड्डावाला, सेकंड नंबर का, आड्डावाला। अब देखिए दोस्तों टोटल रिकॉल, ठीक है, टोटल रिकॉल में देखिए दक्षिण अरावली प्रदेश, देखिए यह मुख्यतः उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद व सिरोही जिले में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है, याद रखना दक्षिण अरावली पर्वतीय प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर। अब इस प्रदेश की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, देखो पूरी डिटेल मैंने आपके सामने लिख दी। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। फिर है शेर, ये भी सिरोही में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। फिर है देलवाड़ा, ये भी सिरोही में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। फिर है जरगा, ये उदयपुर में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। फिर है अचलगढ़, ये सिरोही में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। फिर है आबू, ये भी सिरोही में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 1295 मीटर। फिर है कुंभलगढ़, ये राजसमंद में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। और सज्जनगढ़, ये उदयपुर में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 938 मीटर। तो दोस्तों ये दक्षिण अरावली प्रदेश की जो पर्वत चोटियां हैं, उन चोटियों के नाम, उनके जिले, उनकी ऊंचाई, पूरी डिटेल आपके सामने है, ये फैक्ट है, इनको अच्छी तरह से तैयार कर लो दोस्तों। फिर देखिए, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार भोराट का पठार इसी पर्वतीय प्रदेश में स्थित है जो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित है, याद रखना। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार का क्या नाम है? भोराट का पठार। ये किन के मध्य स्थित है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित है, ठीक है। भोराट के पठार की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है, याद रखना भोराट के पठार की ऊंचाई कितनी है, 1225 मीटर। फिर है इस पठार की सबसे ऊंची चोटी जरगा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है, याद रखना भोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? जरगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर।
फिर है सिरोही के पूर्वी भाग में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियां हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। याद रखना चित्र, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों ये सब। फिर है उदयपुर क्षेत्र में तस्त्रीनुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। इन सब के ऊपर अलग से मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, वो देखना, वहां पर पूरा मैटर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार किस अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार किस अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है ये बताना है। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता रहा हूँ, 3 नंबर का, दक्षिणी अरावली प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, उड़िया पठार किस अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है? उड़िया पठार किस अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है, ये सेकेंड ग्रेड 2011 में आया हुआ है। इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, दक्षिणी अरावली प्रदेश। अब देखिए दोस्तों, रिकॉल नोट्स देखिए इसके, राजस्थान के पठार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न आता है। देखिए उड़िया पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार है। उड़िया पठार गुरु शिखर से नीचे स्थित है, इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है, याद रखना। तो राजस्थान का सबसे ऊँचा पठार कौन सा है? उड़िया पठार। उड़िया पठार जो है किस जिले में स्थित है? ये सिरोही जिले में स्थित है, गुरु शिखर से नीचे स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर है। फिर आइए आबू पठार, देखिए राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार आबू पठार है। आबू पठार सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है, याद रखना। आबू का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है और ये सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। फिर है बोराट का पठार, तो बोराट का पठार राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। ये पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंडा और कुंभलगढ़ के बीच स्थित है और इस पठार की औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। ये राजस्थान के 3 पठार हैं और तीनों के तीनों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो आप अच्छी तरह इनको तैयार कीजिए। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों कितनी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ, आप किसी भी यूट्यूब चैनल को उठा करके देख लीजिए, अगर इतनी बढ़िया तरीके से और इतने मतलब गहन और विस्तृत तरीके से अगर किसी भी चैनल में अगर आपको ये टॉपिक समझाया हुआ हो तो मेरी गारंटी है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी विद्यार्थियों को भी फ़ायदा हो और मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके, मैं भी और ज़्यादा मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार कर सकूं। आप वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।